अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज भी स्किन के सिलसिले में ही मेरा लेक्चर है, तो जो मेडिसिन बाकी रह गई हैं आज मैं उनके हवाले से बात करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन स्किन के हवाले से इस्तेमाल होती है वो इलियम सीपा है। आप सब जानते हैं कि प्याज से बनती है और इस मेडिसिन की जो शोहरत है वो नज़ला ज़ुकाम के हवाले से है। नाक में से छीलनदार पानी कसरत के साथ बहता है, नाक के नथने गलने लग जाते हैं, पकने लग जाते हैं नाक साफ़ कर कर कर। लेकिन इलियम की रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले के अलावा भी एक खासियत है, वो ये कि हम इस मेडिसिन को स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। अब इलियम स्किन के किन मसाइल में इस्तेमाल होती है, उनमें जो बातें आती हैं वो ये कि जब आपने रंगत साफ़ करनी होती है, वो लोग जो गहरे रंग के हैं उनकी रंगत आपने साफ़ करनी होती है, तो जहाँ हम बहुत सारी दूसरी मेडिसिन अपनी इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ हम इलियम को भी इस्तेमाल करते हैं। इलियम जो है रिंकल्स दूर करने के काम आती है, एक्नी प्रॉब्लम्स को दूर करने के काम आती है, पिंपल्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, सन बर्न में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोग जो सूरज की रोशनी में, सूरज की तमाजत में, गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनकी जल्द जल जाती है उस गर्मी से, उस शिद्दत से, तो वहाँ पर हम इलियम सीपा को इस सन बर्न में इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट, मैंने पहले भी बहुत सारी आपको मेडिसिन बताई हैं जो सन बर्न में इस्तेमाल होती है, वहाँ पर हम इलियम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा हमारी एक मेडिसिन है पुनिका ग्रैंटम। अब ये अनार से बनती है। अब देखिए, कुदरत ने जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं उनमें कितने फ़ायदे रखे हैं। इलियम प्याज से बनी और ये अनार से बन रही है। अब आप देखिए कि जो अनार से बनी हुई ये जो मेडिसिन है ये हमारे किस किस काम आती है। फ्रैकल्स के काम आती है, फ्रैकल्स को दूर करने के काम आती है, स्किन को वाइट करने के काम आती है। वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उस ड्राइनेस को दूर करती है। जिल्द के ऊपर जो फाइन लाइंस बन जाती हैं, अब ये फाइन लाइंस आपके चेहरे के ऊपर बन रही हैं, बाजुओं में बन रही हैं, आपके पेट पे बन रही हैं, कहीं पे भी बन रही हैं, यानी ये जो दाढ़ियाँ बनती हैं आपकी जिल्द के ऊपर उनको दूर करने के काम आती है। रिंकल्स को दूर करती है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो पड़ते हैं डार्क कलर के उन स्पॉट्स को दूर करती है। फिर ये एक्नी प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती है, पिंपल्स को ख़त्म करती है और एक्नी के बाद जो आपकी जिल्द के ऊपर स्कार्स रह जाते हैं, यानी बड़े बड़े पस वाले दाने निकले, पस बह गई और उसके बाद वो दाने जो हैं ख़त्म हो गए लेकिन अपने निशान छोड़ गए, उनको हम एक्ने स्कार्स कहते हैं। ये उन एक्ने स्कार्स को दूर करने के काम आती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो है अरके गुलाब। देखिए, अरके गुलाब गुलाब की पत्तियों से हासिल किया जाता है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपको किसी भी दुकान से मिल सकता है। आप चाहें तो ख़ुद भी इसको कशीद कर सकते हैं अगर आपको कशीद करने का तरीका आता है। तो ये जो रोज़ वाटर है ये भी हमारी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी आँखों के गिर्द स्याह रंग के हल्के पड़े हैं, आपकी स्किन की टोन ख़राब हो गई है, आपकी स्किन खुरदरी है, आपको सन बर्न हो गया है, आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेम कर गई है, तो वहाँ पर जो रोज़ वाटर है ये आपकी स्किन को शादाबी देता है, एक चमक देता है, ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, ये एक्नी के ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, एक सन स्क्रीन का काम करता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियतें पाई जाती हैं। लिहाजा अगर आप कोई मेडिसिन नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते अपने स्किन के हवाले से तो सिंपल आप असल अरके गुलाब ले लीजिए और उससे आप अपनी जिल्द के ऊपर स्प्रे कर लीजिए या आफ्टर शेव लोशन की तरह अपने जिल्द के ऊपर लगा लीजिए। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा या अगर आप तारीख से दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि पहले ज़माने में जो शहजादियाँ थीं उन्हें अरके गुलाब से नहलाया जाता था या वो अपने नहाने का जब इंतज़ाम किया करती थी तो लाजमी अरके गुलाब का इस्तेमाल किया करती थी। बेसिक वजह यही है कि यह आपकी स्किन को एक चमक देता है, अरके गुलाब जो है नरिश करता है, ग्लो देता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन को जो है ये मुलायम करता है। ऑलमोस्ट हमारी सारी दवाइयाँ जो हैं वो पूरी हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि वो दवाइयाँ जो मैं जानती हूँ, जिनके बारे में मुझे पता है कि हम इनको स्किन के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, मेरी वो दवाइयाँ ऑलमोस्ट पूरी हो गई। इसके अलावा भी
जिस तरह अड़के गुलाब को इस्तेमाल किया जाता है ना, इसी तरह पपाया यानी पपीते को भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन के लिए। मैं चलते चलते आपको पपीते के हवाले से या खीरे के हवाले से मैं आपको कुछ खासियतें बता दूं। आप चाहें तो अपने घर में पपीता कूट के आप उसका रस निकाल के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, या आप जो खीरा है उसको काट के उसका गूदा निकाल कर अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको पपाया और पपीते के हवाले से बता दूँ कि वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया जो है आपकी स्किन को एक चमक देता है, आपकी जिल्द के ऊपर जो दाग धब्बे पड़ते हैं उनको दूर कर देता है, आपकी जो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं यानी क्रैक्ड हील्स जो हैं वो उन क्रैक्स को ख़त्म कर देता है, आपकी बॉडी के लिए एक स्क्रब का काम करता है। ख़वातीन जानती हैं कि जब वो फेशियल करवाने जाती हैं तो जो ब्यूटी पार्लर वाली है वो स्क्रब का इस्तेमाल करती है उनकी स्किन को शाइन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो पपाया जो है ये आपकी बॉडी के लिए एक स्क्रब का काम करता है। और दूसरी जो आपके लिए सबसे बड़ी खासियत इसमें जो पाई जाती है वो ये कि पपाया जो है एंटी एजिंग है, आपकी एज को रोक देता है, आपको बुढ़ापे की तरफ जाने से, जितनी तेज़ी के साथ आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं उसकी रफ्तार को स्लो कर देता है, और ये एंटी एजिंग का काम करता है आपकी जिल्द के लिए, और आपकी जिल्द जो है वो जवानों जैसी दिखती है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पपाये के हवाले से बताया, मैं आपको खीरे के हवाले से भी बता दूं कि जो ककंबर है, जो खीरा है, उसको भी अगर आप उसका आप गूदा निकाल लें, उसका आप रस निकाल लें, उसको आप अपने चेहरे पे लगाएं, तो ये जो खीरा है इसमें ये खासियत पाई जाती है कि ये आपके चेहरे से एक्नी को दूर करता है। ख़ास तौर पर आँखों के हवाले से इसका बहुत रोल है, और आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा और आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पार्लर्स में, बड़े बड़े जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पर बकायदा खीरे के कतले बनाकर आपकी आँखों पे रखे जाते हैं, या ख़वातीन घर में भी जब गर्मियों का सीज़न आता है ख़ासकर जब वो खीरे काटती हैं तो खीरे के छिलके ही अपने मुँह के ऊपर मल लेती हैं, और वो खीरा जब ऊपर वाला जो उसका हिस्सा होता है उसको अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी आंखों के ऊपर रख लेती हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि वो लोग जिनकी आंखें बहुत थक जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी आंखों की थकन को दूर करने के लिए आप ये खीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो लोग जिनकी जिल्द जो है वो दो रंगी हो जाती है, आपने अक्सर लोग देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर भी दो रंगी जिल्द होती है, कहीं से ज़्यादा डार्क होती है, कहीं से मध्यम होती है, या आपके बाजुओं की जिल्द है वो अगर दो रंगी है, या कहीं और जिसे आप कह लीजिए अंडर आर्म्स वगैरह जो है वहाँ पर जिल्द की रंगत जो है वो ज़रा थोड़ी चेंज हो जाती है, तो आप इस खीरे को, इस रंगत को दूर करने के, यानी जो दो रंगी जिल्द है उसको ख़त्म करने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्याही आ जाती है आप इस खीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी तो सारी थी दवाइयाँ, और ये रोज़ वाटर चूँकि हम इसी से अपनी दवाई तैयार करते हैं, सीरम तैयार करते हैं, और जहाँ पर मैंने रोज़ वाटर का जिक्र किया तो मैंने कहा मैं आपको पपाया और खीरे के हवाले से भी बता दूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने क्लिनिक में अपने होम्योपैथिक तरीके कार्ड के ज़रिए अपने पेशेंट को जिल्द के हवाले से, उसके चेहरे के हवाले से हम मदद करने की उसकी कोशिश करते हैं, या उसको बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वो सारी बातें जो मैंने आपको अब तक 3-4 लेक्चर्स में बताई हैं आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। आप इनको संभाल लीजिए, आप इनकी कोई अलग-अलग से एक डायरी बना लीजिए ताकि कल को जब कभी भी आपको ज़रूरत पेश आए, या आपको पता हो कि मेरे पास ये पेशेंट आया है तो मैंने उसको ये दवाई इस्तेमाल करवानी है, मैंने इन अद्वियात का इस्तेमाल करवाना है, वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था कि मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में टॉपिक वाइज में आपको बता दूंगी कि हम किन मेडिसिन को किन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आज अपना लेक्चर समेटने से पहले मैं आपको थ्योरापेटिकली आपको बता दूं कि हम हालांकि यहाँ पे थ्योरापेटिकली लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मर्ज के लिए, कि मर्ज के नाम पर दवाई को बताना, तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब मैं आपको प्रॉब्लम के नाम पर दवाई बताने जा रही हूँ, तो मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो या मैं आपको यूँ कह देती हूँ कि मैं टॉपिक वाइज आपको बता देती हूँ कि हम किन मेडिसिन को किन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं।
तो याद रखिए, जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वहाँ हम हेमामेलिस इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रास्टिस इस्तेमाल करते हैं, कैमोमिला इस्तेमाल करते हैं, रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं और एज़ा डायरेक्टा इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमारी पांच अद्वियात हैं जिनको हम जिनकी जिल्द खुश्क होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम इन मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो लोग जिनकी रंगत बहुत गहरी होती है, बहुत डार्क कलर के होते हैं, उनकी रंगत को निखारने के लिए, वाइटनिंग के लिए हम जिन मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं उनमें कैमोमिला, हेमामेलिस, बर्बरस एक्वफोलियम, ग्लाइसेरिज़ा यानी मलट्ठी से जो बनती है, और थिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक्ने प्रॉब्लम में हम हाइड्रास्टिस को इस्तेमाल करते हैं और एक्नेशिया को इस्तेमाल करते हैं, एलोज को इस्तेमाल करते हैं, इलियम सीपा को इस्तेमाल करते हैं। उसमें तो बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, ऑलमोस्ट वो सारी दवाइयाँ आ जाती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। सनबर्न के लिए हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करते हैं, सिम्फाइटम को इस्तेमाल करते हैं, हेमामेलिस को इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सनबर्न के लिए हम ये अनार से बनी जो हमारी दवाई है, प्याज से बनी जो हमारी दवाई है इलियम सीपा, हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जो हमारी मेडिसन ब्लड को प्योरीफाई करने के काम आते हैं उनमें हम जिंक्सिंग को इस्तेमाल करते हैं, एक्नेशिया को इस्तेमाल करते हैं, र्यूमेक्स को इस्तेमाल करते हैं। रिंकल्स के लिए हम जिन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं वो एम्बेलिका है, एक्नेशिया है, थिया है, कैलेंडुला है, एलोज है, और भी कुछ मेडिसन है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको उनके नाम आप लिखें तो आपको पता चल जाएगा, आप इस लिस्ट में उनको ऐड कर सकते हैं। फ्रेकल्स के लिए हम आयरस को इस्तेमाल करते हैं, सिम्फाइटम को इस्तेमाल करते हैं, हेमामेलिस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कुछ और मेडिसन भी हैं जो मैंने आपको ज़्यादा पढ़ाई हैं, और ये मैं आपको सिर्फ एक दो ही मैंने आपको बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, उसकी वजह यह है कि लेक्चर जो हैं वो बहुत लंबे हो गए हैं, तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे हर चीज़ जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई है। जैसे अगर स्किन नरिशिंग के लिए मैं कहूँ तो ओलिया को इस्तेमाल किया जाता है, कैलेंडुला को इस्तेमाल किया जाता है, सिम्फाइटम को इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के ऊपर आपके खड्डे हैं तो वहाँ पे हम सिम्फाइटम को इस्तेमाल करते हैं, एज़ा डायरेक्टा को इस्तेमाल करते हैं। आँखों के नीचे पफिनेस पाया जा रहा है तो जिंक्सिंग को इस्तेमाल करते हैं, थिया को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, वहाँ हम पहले नंबर के ऊपर एलोज को इस्तेमाल करते हैं। अब आप एक और मैं आपको एक हिंट दे दूं यहाँ पर चले लेक्चर समेटने से पहले, कि जो लोग मैनीक्योर पेडीक्योर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो अपने मदर टिंचर जो हैं वो मिक्स कर नीम गर्म पानी में डालकर अगर उनमें अपने पाँव को डिप करके रखें तो वहाँ पर वो समझ लीजिए कि वो अपने जो हैं वो अपने पाँव का जो है मेडिक्योर, उनका पेडिक्योर जो है वो हो जाएगा। बेशक वो उसमें अपने हाथ भी जो है वो टिप कर सकते हैं। नीम गर्म पानी उन्होंने लेना है और उसमें अपने जो दो मदर टिंचर हैं, थूजा मदर टिंचर है और एक्नेशिया मदर टिंचर है, उनको उन्होंने बराबर मकदार में डाल देना है और 15 से 20 मिनट तक उन्होंने उस नीम गर्म पानी में जो है अपने पैर डिप करके रखने हैं। उसके बाद वो जैतून के तेल से या किसी भी अच्छे ऑयल से अपने खुश करने के बाद अपने पैर जो है उसका मसाज कर लें। आप देखिए कि आपके पैरों के ऊपर एक बेहतरीन जो है एक आप चमक आएगी, आपके पैर साफ़ हो जाएंगे और जो आप बाज़ार में पैसे खर्च करते हैं मैनीक्योर और पेडीक्योर के ऊपर, ये आपकी दो अद्वियात जो हैं ये आपका मैनीक्योर और आपका पेडीक्योर कर देंगे। मैंने आपको ब्लैक हेड्स के ज़िमन में भी बताया था कि अगर आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप थूजा मदर टिंचर को उबलते हुए पानी में डालकर आप उसकी स्टीम ले लीजिए तो आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएंगे। तो ये था वो सारा एक आप कह लीजिए जो सिलसिला मैंने लेक्चर्स का शुरू किया स्किन के हवाले से, जिसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको बता दूँ। कोई चीज़ मैंने अपने पास रखी नहीं, मैंने कोई चीज़ अपने पास छुपाई नहीं है स्किन के हवाले से। जो कुछ मुझे मालूम था, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने क्लिनिकली इस्तेमाल किया, मैंने आज आपको एक एक चीज़ बता दी है। बस आखिर के ऊपर थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था, यानी आज का लेक्चर तैयार करते हुए, कि शायद
लेक्चर बहुत लंबे हो गए हैं और मेडिसिन जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रही, आप लोग बोर ना हो जाए एक ही मसाइल के मर्ज के हवाले से या एक ही प्रॉब्लम के हवाले से मेडिसिन सुनते सुनते। तो आज का लेक्चर मुझे लगा कि जैसे मैंने इसको ना बहुत जल्दी समेटने की कोशिश की है, लेकिन एनी हाउ मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जितने भी लेक्चर हैं, 4-5 लेक्चर जो हैं, अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप समझने वाले हैं, तो यकीनन आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप में से कुछ चंद एक भी मेरे इन लेक्चर से कुछ सीख गए और फ़ायदा उठा गए, तो यकीन जानिए हमें अपने लेक्चर का, अपनी मेहनत का सिला मिल गया। शुक्रिया।